ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحك فلا يقربن مسجدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعين करीब आपके सामने चंद दिनों के बाद इस्लाम की एक अजीम शाइर और एक अजीम अलामत कुर्बानी की सूरत में मुसलमानों के दीनी जज्बे के साथ इंशाअल्लाह चंद दिनों में वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसके लिए हम मुसलमानों को अभी से अपने आप को तैयार रखना होगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुर्बानी का जिक्र फरमाया है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है सूरतुल कौसर। इन्ना आतैनाकल कौसर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर अता किया। खैर कसीर क्या है? एक चीज वो तो बयान हो जाए, एक चीज वो तो बयान हो जाए कि हमने ये आपको खैर कसीर दिया है। अल्लाह ने अपने हबीब को हर चीज खैर कसीर अता फरमाई, एक चीज नहीं।
तो हमने आपको इतना बहुत कुछ दिया, तो इसके बदले में आपको क्या करना चाहिए? फसल ले रब्बे का, अपने रब की इबादत करो, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। फसल ले रब्बे का, इबादत किसके लिए होगी? सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। इबादत किसका हक है? अल्लाह का हक है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप लोगों के सामने ये इकरार करें कि इन सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, लिल्लाह, किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए है। व नुसुकी, मेरी कुर्बानी किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। व महयाया, और मेरी जिंदगी किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। व ममाती, और मेरी मौत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। यानी हम सब का जीना भी अल्लाह के लिए, हम सब का मरना भी किसके लिए है? अल्लाह के लिए। तो ये इबादत के लायक कौन है? अल्लाह है। इबादत का, इबादत के लायक कौन है? फरमाया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना आफ़ैना कल कौसर, हमने आपको बहुत कुछ अता फरमाया। वो बहुत कुछ क्या है? किसी चीज का जिक्र नहीं फरमाया, इसलिए नहीं फरमाया कि ताकि सुनने वाला ये ना समझे कि ये चीज शामिल है और ये चीज से खारिज है। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीजें दी हैं सबको फरमाया कि हमने आपको बहुत कुछ अदा किया है, तो इसके बदले में क्या करना चाहिए? फसल्ले, नमाज पढ़ो। ले रब्बे का, अपने रब के लिए, इसके लिए इबादत करो। ये पेशानी सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाओ। किसके सामने झुकाओ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे हम क्या करते हैं? कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है यह कुर्बानी। तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू है कुर्बानी का अमल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का अमल शुरू है, और ये तो हर साल आप सुनते आ रहे हैं। मैं खुद आपके सामने हर साल मैं बयान करता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम ही से कुर्बानी का अमल। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक्य आपके सामने है ना, काबिल और काबिल का वाक्य। तो उनमें से भी एक ने कुर्बानी की, एक की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमाया, दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया। आदमी के अंदर ईमान हो, तौहीद हो, मौहिद हो, इस्तकामत हो, इखलास हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाता है। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे हम कुर्बानी करते हैं, उसकी सुन्नत समझ के करते हैं, लेकिन जरा हम अपने आप का अकीदा देखें कि हमारा अकीदा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला है कि नहीं। हमारा अकीदा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला होगा तो कुर्बानी बेशक कबूल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फकत बेटे की कुर्बानी नहीं दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इससे पहले भी कई कुर्बानियां हैं, वो तो भी मुझे और आपको याद रखना चाहिए। एक बुत फरोश के घर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बुत फरोश, बुत तराश भी है और बुत फरोश भी है, यानी बुत बनाता भी है और बुत बेचता भी है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसका जिक्र भी है कुरान मजीद में कई मौकों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं फकत आपको एक हवाला दिखाता हूँ सूरह मरियम, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, इस कुर्बानी के अलावा जो कुर्बानियां हैं वो कुर्बानी मेरे और आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने पेश की। जरा आप इसको सुनो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سناؤ لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سناؤ لوگوں کو۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟
अल्लाह फरमाते हैं कि ये तो जिक्र मैं आपको बताऊंगा कि इब्राहिम कौन है, ये तो तुम्हें मैं बताऊंगा कि इब्राहिम कौन है, कि इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आला दर्जे के सिद्दीक नबी थे, आला दर्जे के, वरना सिद्दीक का दर्जा तो बाद में होता है, पहले तो नबी का दर्जा होता है, बात समझो, पहले तो होता है नबी का दर्जा फिर सिद्दीकीन होते हैं। तो इसलिए कि सिद्दीकीन हो, शुहदा हो, सालिहीन हो, वो तो नबी की उम्मती होते हैं। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसलूब बदल दिया, पहले सिद्दीक का जिक्र किया, बाद में नबी का जिक्र किया। यहाँ उम्मत सिद्दीक मुराद नहीं है, आला दर्जे के तस्दीक करने वाले मुराद हैं, कि एक बुत फरोश के घर में पैदा होने वाला भी एक अल्लाह की तस्दीक करता है, इसको सिद्दीक कहते हैं। बात समझ में आ गई? हर जगह सिद्दीक का माना सच्चा नहीं होता, कभी कभार और भी माना होता है, कि एक बुत फरोश के घर में, एक बुत तराश के घर में जो बच्चा पैदा होता है, बुतों की तकसीम करता है, एक अल्लाह की तस्दीक करता है, आला दर्जे का सिद्दीक इसको कहा जाता है। आला दर्जे का सिद्दीक को, सिद्दीक का मतलब तस्दीक करने वाला, यानी एक अल्लाह की वहदानियत को तस्दीक करता है, बस एक अल्लाह की तस्दीक करता है कि खालिक फकत एक अल्लाह है, मालिक एक अल्लाह है, झुकने के लायक सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुका जाना है, और इसके अलावा कोई माबूद भी नहीं है किसी के सामने, कोई झुकने का भी लायक नहीं, अगर है तो फकत एक अल्लाह के सामने इंसान को। आपने हदीस के अंदर सुना होगा कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन कैसर किसरा से वापस आए और अल्लाह के नबी के सामने अर्ज किया, अल्लाह के नबी कैसर किसरा के जालिम बादशाहों के सामने उनकी आवाम उनका सजदा करती है, आप हमें हुक्म दे दें, आप अल्लाह के नबी हैं, महबूब हैं, हम आपके सामने सजदा करेंगे, हम आपका सजदा करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सजदा के लायक सिर्फ अल्लाह है, सजदे के लायक सिर्फ कौन है, अल्लाह है। और अगर मैं, अगर किसी और को, इंसान को किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहर का सजदा किया करे। फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, ए मेरे नबी कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा मज़कूर है, लोगों को सुनाओ। लोग कहानियां सुनाते हैं, लोग क्या सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको सिर्फ कुरान सुनाते हैं। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया इज क़ाला लि अबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वाले साहब से कहा, या अबती, ए मेरे अब्बा जान। वालिद साहब गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गुफ्तगू का अंदाज देख लें, या अबती, ए मेरे अब्बा जान। अगर आप अरबी समझते तो या अबती असल में था या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा। और हमारे माशरे में बहुत सारे लोग अपना अपने वालिदैन को नाम से पुकारते हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि वालिदैन को नाम से पुकारते हैं, ये भी अदबी है, या अबाने, ए मेरे अब्बा जान। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाम से नहीं पुकारा, हालांकि नाम उसका था आज़र, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था, आज़र। या अबाते, ए मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ, लिमा ताबुदु, इनकी इबादत क्यों करते हो, इन बुतों की इबादत क्यों करते हो, मा ला यस्माउ, जो सुनते ही नहीं है, जो सुनते नहीं इनकी इबादत करते हो, और मेरा अल्लाह तो वो है जो सीनों के राज़ों को भी सुनता है और जानता है, इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, वला युबसिरु, देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, वला युग़नी अन्का शय्या, तेरे कुछ भी काम नहीं आएंगे, इनकी इबादत करते हो, और मेरा रब कौन है, और मैं अपना रब बताता हूँ कि मेरा रब कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे, सुनो मैं अपना रब बताता हूँ मेरा रब कौन है।
ये देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहाँ भी अंदाज अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा सा बदल दिया, आप इसको जरा देख लें यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाते हैं। وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرو وَأَتْلُ تِلَاوَتْ کرنی بیان کرو وَأَتْلُ بیان کرو تلاوت کرو عَلَيْهِمْ لوگوں کے سامنے نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کی قصے کا بیان کرو اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے اور قوم کے لوگوں سے کہا ما تعبدون کس کی عبادت کرتے ہو کس کی عبادت کرتے ہو کون ہے یعنی حقیقت بتاؤ کون ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو قالوا نعبد اصناما قالوا نعبد اصناما بتوں کی عبادت کرتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہو لوگوں نے کہا والد صاحب نے کہا قوم نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں دیکھ رہے ہو فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ اور کرتے رہیں گے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ کی وجہ سے ہم بتوں کی عبادت تھوڑی چھوڑ دیں گے بتوں کی عبادت کرتے ہیں فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ کرتے رہیں گے اچھا اور قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ان کو پکارتے ہو تمہاری بات سنتے ہیں بت تمہاری بات سنتے ہیں قال هل يسمعونكم يستدعون او ينفعونكم ويضرون تمہیں فائدہ دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے فائدہ دیں یا نہ دیں تب بھی سجدہ کریں گے نقصان دیں یا نہ دیں تب بھی سجدہ کریں گے کیوں وجدنا آباءنا ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تو ہم بھی کرتے رہیں گے جیسے آج کے یہ کہیں گے نا بھئی یہ کیوں کر رہے ہو باپ دادا کو دیکھا ہے یہ عمل کیوں کر رہے ہو ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے حالانکہ ہمارے باپ دادا نہ نبی تھے نہ ولی تھے نہ کوئی عالم تھے نہ کوئی مفتی تھے نہ کوئی بزرگ تھے جٹ جہل قسم کے لوگ تھے بیچارے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم شرک بھی باپ دادا کو دے کر کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے فرمایا قال فرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت بھی وہی دیتا ہے وہ میرا رب ہے والذي هو يطعمني ويسقين اور میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے واذا مرضت فهو يشفين جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے میرا رب شفا دیتا ہے والذي يميتني ثم يحيين میرا رب وہ ہے جو مجھے موت بھی دیتا ہے دو بار مجھے زندہ بھی کر دیتا ہے میرا رب بات سمجھ میں آگئی نہیں تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ انسان عقیدہ بھی کس کا اپنائے ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اپنائے بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ یہ کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے اللہ ہے ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا نفع کا بھی مالک اللہ ہے اور نقصان کا مالک بھی کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہرحال میں آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مشروع ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو خاص نسبت ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نام آج تک بلند و بالا فرما دیا اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا
हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तौर तरीका मुकरर किया है। हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकरर की है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नहीं बल्कि तमाम उम्मतों में अल्लाह तबारक व तआला ने चीज रखी। और इस कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है, और कुर्बानी की अहमियत यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीने में रहे, हर साल कुर्बानी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में कितना अर्सा रहे? 10 साल रहे, और हर साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की, और आखिरी साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और वहां से वो 100 ऊंट लेकर आए। 63 ऊंट को अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से ज़बह किया। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी? 63 साल। तो हर साल के एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट कुर्बान किए, और बाकी 100 में जितने ऊंट रह गए, हजरत अली को हुक्म दिया कि बाकी ऊंट आप अपने हाथों से ज़बह कर लें। तो इन 10 सालों में से कोई ऐसा साल नहीं गुजरा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौ वजद सादन, जिसको अल्लाह इस्तेताब दे, तौफीक दे, साहिब निसाब बनाए, मालिक बनाए, जिसके पास ताकत हुसन कुव्वत हो, उसको चाहिए कि कुर्बानी करे। अगर कुर्बानी ना करे, जिसके पास अल्लाह ने इस्तेताब दी है, जिसको ताकत दी है, वसत दी है, माल दिए, इसके बावजूद अगर वो कुर्बानी ना करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आ जाए। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ताकत दे, वसत दे, कुव्वत दे, माली फरावानी दे दे, इसके बावजूद अगर वो कुर्बानी ना करे, तो फला यक़रबन्ना मस्जिदना, वो हमारी मस्जिद के करीब ना आ जाए। और इसके साथ साथ एक और भी हदीस आप याद करें, बहुत सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हज की ताकत देते हैं, इस्तेताब देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हज भी अदा नहीं करते। वो कहते हैं कि करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हदीस पाक में आता है कि जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला उसको साहिब निसाब बनाए, उसको अल्लाह इस्तेताब दे दे, ताकत दे दे, कुव्वत दे दे, हज के आने जाने के सफ़र का खर्चा भी हो और इनके बीवी बच्चों का भी खर्चा हो, लेकिन इसके बावजूद अगर वो हज ना करे, इसी हालत में मर जाए, तो समझ लो एक यहूदी मर गया, एक ईसाई मर गया। दोबारा सुने, जिसको अल्लाह तबारक व तआला वसअ दे दे, ताकत दे दे, कुव्वत दे दे, माली कुव्वत की बात कर रहा हो, और इसके बावजूद वो हज ना करे, इस हाल में अगर वो मर गया, अगर चाहे वो नमाज पढ़ता है, अगर चाहे वो रोजा रखता है, दूसरी इबादत भी करता है, लेकिन इस्तेताब के बावजूद, ताकत के बावजूद, माली वसअत के बावजूद, आने जाने का खर्चा भी इसके पास है, बीवी बच्चों का भी खर्चा इसके पास है, लेकिन इसके बावजूद वो हज अदा नहीं करता, अगरचे नमाजी है, अगरचे जिक्र अज़कार करने वाला है, अगरचे बाकी इबादत को जिंदा रखने वाला है, लेकिन अगर उसने हज के रुकन को जिंदा नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा बंदा अगर मर गया, यहूदी होके मर गया, ईसाई होके मर गया। बात समझ में आ गई है? लोग कहते हैं क्या हुआ, अब यही जो हमारे हज के पैसे हैं दूसरे नेक कामों में लगा देंगे, जायज नहीं है। दीन में मेरा और आपका नहीं है, शरीयत में और आप नहीं बनाते अपने घर के अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई मौकों पर लोग आए, सवाल किया, इस्तेफसार किया, अल्लाह के नबी इसका क्या जवाब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास दीन बनता नहीं है, दीन अल्लाह बताता है और मैं आपके सामने उसको बयान करता हूँ। वो ज़ियार का मसला है ना, ये आपने ज़ियार का मसला सुना है कि एक आदमी ने अपनी बीवी को कहा कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह, उसको ज़ियार बोलते हैं, ज़ियार का मसला है, तुम मेरे लिए मेरे माँ की तरह, यानी
महरम औरत के साथ अपनी बीवी को तस्बीह देना और नियत जिहार की हो तो फिर बीवी हराम हो जाती है जब तक कफारा अदा ना करे। मुस्तकबिल मसला है, मैंने गालिबन आपके सामने बयान भी किया हो कि जिहार का मसला कि एक आदमी अपनी बीवी को महरम औरत के साथ तस्बीह दे, महरम औरत माना बहन, महरम औरत खाला, महरम औरत बूबी, महरम औरत माँ, इनके साथ अपनी बीवी को तस्बीह दे दे कि बीवी तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, बहन की तरह है, बेटी की तरह है, बूबी खाला की तरह है। आपको पता है ये वो रिश्तेदार है, इनसे आदमी का निकाह तो नहीं होता। एक आदमी अपनी बीवी को ऐसी इन जैसी औरतों से तस्बीह दे दे तो उसको जिहार कहते हैं। जिहार की नीयत हो तो बीवी हराम हो जाती है, लेकिन ये हराम वक्ती तौर पर है, हमेशा के लिए हराम नहीं होती। कफारा अदा करे तो फिर ये मतलब है कि हुर्मत यहाँ से निकल जाएगी, फिर भी इसके लिए हलाल हो जाएगी। सूरह मुजादला के अंदर इसकी तफसील है। एक सहाबी ने आकर ये कहा कि मैंने अपनी बीवी के साथ इस तरह का मामला किया, उस वक्त शरीयत के अंदर कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आपको बताया कि अल्लाह के नबी वो जिक्र करते हैं, वो बयान करते हैं, वो फरमाते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही होती है, अपने तरफ से कुछ नहीं फरमाती। कुरान क्या कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तौर पर कुछ भी नहीं कहते, इन हुवा इल्ला वहयू युहा, जो अल्लाह की तरफ से वही होती है वही बयान फरमाते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ हुक्म नहीं, मैं क्या आपको बताऊं। आपने अपनी बीवी को या ये कि आपके शोहर ने आपको अपनी माँ करार दिया है, अपनी बहन करार दी है, अब मेरे पास इसका फिलहाल तो हल नहीं। आप सबर करें, अल्लाह क्या हुक्म नाज़िल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नाज़िल फरमाई कि कद समिअ अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, ये पूरी सूरत नाज़िल। तो आपको पता है कि दीन हम नहीं बनाते हैं। अब लोग ये कहते हैं, अब बहुत सारे लोग सर उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग सर उठा रहे हैं हमारे मुल्क में, वो ये कहते हैं कि तुम कुर्बानी में खामखा लाखों रुपए जाया करते हो, हज में खामखा लाखों रुपए जाया करते हो, गरीबों को दे दो। ये शैतान किस्म के लोग पूरे साल सोते रहते हैं, पूरे साल सोते रहते हैं, अभी ईद का मौका आता है तो इनका सर्जन उड़ जाता है। क्या कहते हैं, कुर्बानी है, कुर्बानी कुर्बानी क्यों करते हो, कुर्बानी के पैसे गरीबों को दे दो, गरीबों की शादी में दे दो। ये हज में 5-6 लाख जाया क्यों करते हो, गरीबों में दे दो, गरीबों में तकसीम करो तो गुर्बत बाकी नहीं रहेगी। लेकिन ये पूरे साल जो हमारे अवाम है, ये हमारे हुक्मरान है, हमारे तबके के जो बासर लोग हैं, हर किस्म की अय्याशियां करते हैं, हर किस्म की अय्याशी, कभी उनका रुख उनकी तरफ नहीं होता है। एक 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 रात में लाखों रुपए की शराब पीते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। ये जो आपने देखा होगा कभी कभार मीडिया के सामने आता है कि फलान जो है ना वो वजीर नहीं, फलान वजीर नहीं, होटल वाला वो बिल पेश करते हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े वजीर होते हैं हमारे, इन जैसे होटलों में आकर चाय वगैरह तो नहीं पीते, वो बड़े बड़े होटलों में चाय पीते हैं। तो वो इनका बिल कभी वो 6 महीने के बाद आता है, कभी सालाना आता है। तो ऐसे ऐसे भी बड़े बड़े लीडरों के बिल आ गए कि 1 करोड़ से ऊपर सिर्फ इनके चाय का बिल बना है एक साल का, 1 करोड़ से ऊपर सिर्फ चाय का बिल बना है। हाँ, और जो है ना 70-70 लाख के लस्सी का बिल बना है। अब कभी इनका रुख उनकी तरफ नहीं होता है। अब 10,000 का जानवर कुर्बान करेंगे तो गरीबों को दे दो भाई, उसने 1 करोड़ की चाय पी है उससे जाकर मुतालबा करो। वो रोज शराब पीते हैं, हजारों लाखों की शराब पीते हैं, कभी आपने कहा है कि शराब ना पियो, शराब के पैसे गरीबों को दे दो। या आप जिस पट्टी में जिस किनारे में रहते हो कितनी मौज मस्तियां होती है, लाखों रोक कर जाकर दे, एक इतवार के दिन के पैसे आप लगा दें हट्टों में, 50-50 हजार का सिर्फ 2-3-4-5 घंटों में बुक करा के चले जाते हैं। कभी आप उनसे पूछ लो कि 50-60 हजार क्यों जाया करते हो, ये कि गरीब को दे दो, मिस्कीन को दे दो, नहीं। ये शैतान किस्म के लोग, इनका हमला दीन है बस, इनका टारगेट और इनका हदफ जो है ना वो दीन को तो टारगेट बनाते हैं, दीन के लिए वो जहर कातिल हो जाते हैं। वरना दुनिया के अंदर हर किस्म की अय्याशियों में लोग करोड़ों रुपए जाया कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस
जानवर को जबा करके तुम्हें क्या फायदा मिलता है, इसके घरे में छुरी चला के तुम्हें क्या फायदा मिलता है, और जिसने अपने बेटे के गले में छुरी चलाई उसको एतराज नहीं हुआ, तुम्हें बकरी पर एतराज है। उसने तो अपने बेटे के गले पर छुरी चलाया, उसको कोई एतराज नहीं हुआ, उसको तो एतराज करना चाहे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे गाय का हुक्म दे दे मैं ज़बह करूंगा, ऊंट का हुक्म दे दो ज़बह करूंगा। तो एक ही बेटा है जो 70-80 साल के बाद मुझे मिला है, 70-80 साल के बाद मुझे बेटा मिला है, अल्लाह उसको ज़बह करते हैं, उसको बेटा ज़बह करने का हुक्म मिला है, वो भी एक ही बेटा, अकलौता बेटा, वो भी बुढ़ापन में अल्लाह ने दिया है, वो भी बड़ी दुआओं के बाद मिला है, उसने तो कोई एतराज नहीं की। तुम 10,000 का जानवर ज़बह करते हो तो तुम्हें तकलीफ होती है। मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़बह करते हैं लाखों का जानवर उनको तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ उसको होती है जो देख लेता है कुरानी अहकाम से वो जलता, तकलीफ उसको होती है। मैं तो कहता हूँ ज़बह करो ताकि आपका ज़बह करना, आप ज़बह करोगे ना तो आपकी छुरी गोया आपके जानवर पे नहीं चल रही, उनके गर्दन पे चल रही है। ये जो लोग एतराज करते ना कुर्बानी ना करो गरीबों को दे दो, आप ऐसे लोगों के सामने अपना जानवर ज़बह करो ताकि ऐसे लोगों को तकलीफ हो जाए। बाकी ऐसे लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को दलाल से जवाब दिया जाए, ये दलाल के काबिल नहीं, जो दलाल से बात करेगा तो उसको दलाल से जवाब दिया जाएगा, और जो कुरान को नहीं मानता उसको कौन सी दलाल आप देंगे। हमारे पास असल दलील तो कुरान और सुन्नत है, और हमारे पास कौन से टकोसल है। जो लोग कुरान और सुन्नत मानते हैं, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि कुर्बानी करो, कुरान में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना, इन्ना आतैना कल कौसर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर अता फरमा, फसल्ले, तमाम तमाम मुफस्सिरीन का कौल है फसल्ले का माना हमने आपको इतना कुछ अता किया, फसल्ले अब उठो ईद की नमाज पढ़ो, फसल्ले का माना नमाज पढ़ो, जब कुर्बानी के साथ इसका जिक्र है माना फसल्ले जाओ आप ईद की नमाज पढ़ो, ईद की नमाज पढ़ने के बाद वन हर आ जाओ कुर्बानी करो। अब लोग कहते हैं कहां लिखा हुआ है, कभी इसको तो देखा समझ में आ जाए कहां लिखा हुआ है। अब तो ये तो सिर्फ रह गया है ना कि अभी लिखो पानी में डालकर पियो, बीमारी बुखार सारे दूर हो जाएंगे, फकत इस चीज के लिए रहेंगे। अब इसके अंदर क्या अकीदा बयान हुआ ये हमारे समझ में नहीं, क्या नजरिया बयान हुआ है ये मेरी और आपकी किस तरीके से रहनुमाई करेगा ये तो मुझे और आपको पता ही नहीं है। तो बहरहाल ऐसी चीजों से अब ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये हमारे मुल्क में चंद लोग हैं, इनके जहन में गोबर पड़ा हुआ है हर किस्म के। अब आप देखें कि हमारे मुल्क में एक छोटा सा मंसूबा होता है, उसके लिए बजट में पेश होता है कि 1 अरब रुपए का तखमीना है, एक पार्क बनता है पार्क, उसमें 1 अरब का तखमीना है, 1 अरब में पार्क बनेगा, एतराज नहीं करेंगे, 1 अरब का पार्क बन रहा है उस पर एतराज नहीं करेंगे। 20,000 का जानवर आप लेंगे, फिर 1 अरब रुपए का पार्क बनाओगे जिसकी कोई जरूरत नहीं, गरीब को पार्क से क्या है, गरीब के पार्क में खेलेंगे ना, गरीब में पेट में काने नहीं, तुम जाओ पार्क में खेलो भाई, पेट में कुछ होगा तो खेलेगा। अब यहां जाकर उसको बोलो ना, जो हुकूमत अहदेदार है बोलो भाई 1 अरब का तुमने पार्क बनाने का इरादा किया है तो गरीबों के पेट में कुछ नहीं है, अगर ये पार्क में खेलेंगे तो गिर जाएंगे, पहले उनको ताकतवर बनाओ उधर नहीं बोलेंगे। अगर आपने जानवर ले लिया कि देखिए गरीबों को दे दो, ये शैतान किस्म के लोग हर जमाने में मौजूद रहे, आप उनसे मरबूब न रहे, आप ये कहें जान भी अल्लाह के लिए, अगर अल्लाह जान लेने के लिए भी कहे इंशाल्लाह हाजिर है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इन सलाती व नुसुकी मेरी नमाज अल्लाह के लिए, वह नुसुकी मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, वह महयाया मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, वह ममाती और मेरी मौत भी किसके लिए अल्लाह के लिए। जान अल्लाह ने दी अल्लाह के लिए कुर्बान, माल अल्लाह ने दिया अल्लाह के लिए कुर्बान, ये माल किसका मेरा रात है। लोग कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, तुम्हारी क्या मेहनत है, तुम मेहनत करोगे इन हाथों से, मेहनत करोगे इन आंखों से, अल्लाह तबारक व तआला एक झटके में आंख खत्म कर दे, दो हाथ पांव शल कर दे, कहां से कमाओगे। बहुत सारे लोग हैं
करोड़पति हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर दिखाया एक ऐसा इसके जिस्म के अंदर मिस्टेक डाल दिया, कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं है। ये कहा परहेज है, परहेज है, ये कहा इससे परे। भाई तुम खाओगे क्या? सुबह सवेरे जौ का दलिया का है, करोड़ों का मालिक जौ का दलिया का है। पता समझ में आ गया कि एक अल्लाह है जो ताकतवर है, वरना ये मालदार चाहता कि मैं सुबह सवेरे पीका दो जौ का दलिया का लो। इसकी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं मुर्गन की जायका हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी पाबंदी लगा दी, दुनिया को बता दिया माल होने के बावजूद अगर ये चाहे, जब अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं होगा, वही होगा जो अल्लाह की चाहत होगी। किसकी चाहत होगी? अल्लाह की चाहत होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस तरह के शैतान किस्म के लोग आपको ये कहेंगे यहाँ पे हैंडपंप लगाओ, गरीबों को पानी दे दो, ये कुर्बानी से बेहतर है, ये हद से बेहतर है। तो फिर आप इनको इनकी अयाशियां दिखाओ, तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में सवार है, पूरा कदा गाड़ी में सवार हो जाओ, सारे गरीबों को दे दो। आप साइकिल पर भी आ सकते हो ना, आप मोटरसाइकिल भी पर आ सकते हो, अपने काम में दफ्तर में मोटरसाइकिल पर भी जा सकते हो। तो 50,000 की मोटरसाइकिल ले लो तो 1 करोड़ की गाड़ी क्यों उस पर सवार होते हो? बात उसको सुनाओ, उसको नहीं सुनाते, क्योंकि उनका असल हदफ इस्लाम है। ऐसे शैतान किस्म के लोग इनका असल हदफ कौन है? इस्लाम है, कि इस्लाम को अपना निशाना बनाते। तो बहरहाल आप इन चीजों से हरगिज़ मरदूब ना हो। मेरे और आपके दिल के अंदर अगर ईमान हो तो मेरे और आपके नजदीक अल्लाह का हुक्म मुकद्दर है। मैं और आप सिर्फ अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को सर चुका है। देखिए वो सहाबी का वाक्य मशहूर है, हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो ईरानियों का दस्तरखान बिछा हुआ था और बादशाहों का दस्तरखान बिछा हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, दीन का कोई हुक्म, सहाबा के दिल के अंदर उनकी कितनी अहमियत थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लुक्मा अगर गिर जाए साफ करके उसको खाओ, शैतान के लिए उसको न छोड़ो। अब चाहे बादशाहों की मजलिस हो तब भी हदीस पर अमल किया जाए, घर की मजलिस हो, घर का दस्तरखान हो तब भी इस पर अमल किया जाए, और पड़ोस वालों का दस्तरखान हो, शादी का दस्तरखान हो, कहीं भी अगर दस्तरखान हो, दावत की दस्तरखान हो, आपके साथ इस पर अमल करना है। बादशाहों का दस्तरखान लगा हुआ है, ईरानी बादशाहों का दस्तरखान लगा हुआ है, एक सहाबी उसमें बैठे हुए हैं, बहुत सारे मुसलमान भी बैठे हुए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दस्तरखान पे बैठे हैं, खाना खाते 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 गुलफा जमीन बिगड़ जाता है, दस्तरखान बिगड़ जाता है। अब हम जैसे लोग भी तो कतराते हैं ना, उठा के खा ले तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अगर नहीं उठाया तो अल्लाह के नबी की क्या फीलिंग होगी, कभी ये सोचा है? अगर हमने नहीं खाया लोगों की खातिर, हमने अगर ये दाढ़ी नहीं की, मिसाल दे रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे? हमारे एक उस्ताद है, वो कह रहे कि एक वाले साहब आए और ये कहा कि मेरे बेटे को समझाओ, जिसके दाढ़ी रखने की उम्र है, मेरे बेटे ने दाढ़ी रखी, मौलवी साहब उसको समझाओ, जिसके दाढ़ी रखने की उम्र है। आप अंदाजा लगाओ, हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी इदारे, ऐसे भी कंपनियां हैं कि अगर आपकी दाढ़ी होगी आपको वहां पर एंटर होने भी नहीं देते। लोग सवाल करते हैं कि मौलवी साहब मेरा रिश्ता फकत दाढ़ी पे अटका हुआ है, अब क्या करो? लड़की ने ये मुतालबा किया है कि अगर इसकी दाढ़ी होगी तो मैं रिश्ता नहीं करूंगी, अब क्या करूं, दाढ़ी में साफ कर दूं? जब वो आपके रसूल की सुन्नत का नहीं होगी तो आपकी क्या हो, वो आपकी भी नहीं होगी। आप ऐसी औरत को जूते की नोक पे रख दें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर आपको ऐसा रिश्ता अता फरमाएंगे कि दुनिया देख लेगी। वो एक सहाबी, लुकमा गिर जाता है, उठा के साफ करके, बादशाहों का दस्तरखान है, बादशाहों का दस्तरखान है, एक बंदा उसको से गोली मारता है कि बादशाहों का दस्तरखान, इधर सुन्नत जिंदा ना करो, अपने घर में जाकर सुन्नत जिंदा कर दो, तो फिर क्या फायदा भाई? सुन्नत तो वो है ना कि जो हर जगह जिंदा हो, बादशाहों के दस्तरखान पे जिंदा हो, अपने दस्तरखान पे जिंदा हो, अपने घर में जिंदा हो तो बादशाहों के घर में भी जिंदा हो, उसको सुन्नत कहा जाता है। एक मुसलमान साहब ही ने उसको एड़ी कोनी मारी,
ये सुन्नत तो अपने घर में जिंदा करो। कहा गुस्सा है उसको, कहा कि आदरों को सुन्नत हबीबी लेकों की वजह से तुम मुझे ये कहते हो कि मैं अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ दूं। मेरे यहाँ इनकी कोई अहमियत नहीं, मेरे यहाँ अगर अहमियत है तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत की है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो उसको कहते ना, आपने जमात वाले से सुना है कि एक सुन्नत जिंदा करोगे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ अपने घर में जिंदा करो, ऐसे दस्तरखान में जिंदा करोगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो बात ये, तो मतलब ये है कि अगर आपको इस तरह का मुतालबा करने का सामना करना पड़े तो आप सुन्नत को सामने रखें। भाई मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा, रिश्ता देना है तो रिश्ता करूंगा, रिश्ता नहीं देना है तो मुझे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस सुन्नत की लाज रखेंगे, दुनिया और आखिरत में आपको सुकून अता करेंगे। अगर आपने एक लड़की की खातिर दाढ़ी को काट लिया, अल्लाह के नबी को नाराज किया, अल्लाह के नबी को नाराज किया, लोगों को राजी किया, इसकी सजा दुनिया में भुगतेंगे और आखिरत में, और लोग भुगत रहे हैं, लोग भुगत रहे हैं। बहरहाल ये हमारा मौजू से आगे निकल गया। तो मैं कुर्बानी की बात कर रहा था कि लोग आपको कुछ कहें लेकिन अल्लाह ने आपको इस्तेआदा दी है तो कुर्बानी करें, कुर्बानी करें, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला आपको अता फरमाएंगे। क़यामत के दिन माँ बाप आपसे भागेंगे, आप भी माँ बाप से भागेंगे, सही भाई बहन से भागेगा, बहन भाई से भागेंगे, और यह कि रिश्तेदार एक दूसरे से भागेंगे ताकि मुझसे कोई नेकी का मुतालबा ना करे। हदीस पाक में आता है, सहाबा रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सुन्नत अभी को रही, हमारे बाप दादा इब्राहिम अलैहि सलाम की सुन्नत है, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या अजर होगा, क्या सवाब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर कुर्बानी के हर जानवर के बाल के बदले में एक नेकी मिल जाएगी। लोग एक नेकी के लिए बाप जाएंगे, आपको आपका वालिद साहब नहीं कहेगा तो मेरा बेटा है, और आप बेटा होगा अपने वाले साहब को नहीं कहेंगे मेरा बाप है। क्यों? हो सकता है एक नेकी का मुतालबा करें, लेकिन अगर आपने एक जानवर की कुर्बानी दिए, एक एक बाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला आपको नेकी अता फरमाएंगे। बाल गिनना मेरे और आपके बस की बात नहीं है, अल्लाह के पास पहले से गिने हुए। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी बाल चलो बाहर, बाल के बदले में एक नेकी मिल जाएगी, लेकिन भेड़ और दुम्बे के तो ऊन होते हैं रुई की तरह है, तो इनका क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऊन के हर एक बाल पर भी अल्लाह तबारक व तआला नेकी अता फरमाएंगे। नबी तो कहते हैं भेड़ और दुम्बा कुर्बानी में जमा करो, इसके बाल अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, मेरे और आपके यहाँ बेशुमार हैं, अल्लाह के यहाँ अल्लाह के शुमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुमार शुदा है, यानी शुमार किए हुए हैं, इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अता फरमाएंगे एक बाल के। और एक और मसला समझे, हदीस पाक में आता है के जुल्हज्जा का चांद नजर आ जाए, हो सकता है आज रात को आ जाए कल आ जाए, जुल्हज्जा का चांद नजर आ जाए और जिसकी कुर्बानी करने का इरादा हो उसको चाहे कि नाखून न काटे, बाल न काटे और जिस्म के किसी हिस्से की काल न काटे, ठीक है, ये मुस्तहब अमल है। ये क्या है? मुस्तहब अमल है। असली हुक्म हाजियों को है, हाजियों के लिए वाजिब है कि न काटे, अगर उन्होंने काटा तो उनको जुर्माना आएगा, हाजियों ने काटा तो उनको जुर्माना आएगा, अगर आप लोगों ने काटा तो जुर्माना नहीं आएगा, लेकिन आप न काटे इंशाल्लाह जो सवाब हाजियों को अल्लाह हज में देंगे मुझे और आपको यहाँ अता फरमाएंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस तरीके से हदीस पाक में आता है कि जो बंदा कुर्बानी करने का इरादा रखता है और जुल्हज्जा का चांद नजर आ जाए उसको चाहिए कि नाखून न काटे, बाल न काटे और जिस्म के हिस्से का कोई काल न काटे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह जो सवाब उनको वहाँ मिलेगा मुझे और आपको यहाँ पे मिले। और जानवर के हवाले से बहुत सारे साथी अर्ज कर रहे हैं कि कौन से जानवर की कुर्बानी जायज़ है, तो वो इंशाल्लाह हम आइंदा आपको बयान करेंगे, लेकिन कुछ लोग अभी से जानवर खरीदते हैं, मैं मुख्तसर आपको बयान करूँ कि 10 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ है। बात समझ में, 10 किस्म की कुर्बानी, ऊँट हो नरमा सही, और इसी तरह गाय हो नरमा, भेड़ हो नरमा, ठीक है, और इसी तरह अल्लाह आपका भला करे भैंस हो नरमादा, और क्या हो बकरा बकरी, बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा, ऊंट ऊंटनी, गाय भेड़, भैंस और भैंसा,
ये 10 किस्म के नर मादा जानवर, बहुत सारे लोग मादे जानवर कुर्बानी, भाई बकरी की कुर्बानी होगी, 10 किस्म के जानवर की कुर्बानी जायज है, इसके अलावा मुर्गी की कुर्बानी जायज नहीं, बस मन में आ गई नहीं, और इसके अलावा वाशी जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, जो जंगली जानवर है। ये जो 10 किस्म के जानवर पालतू हो यानी घर में आप उनको पालते, जो जंगली जानवर है वाशी, मसला वाशी गाय हो, नील गाय जिसको बोलते हैं, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और जानवरों की उम्र के एतबार से एक बात याद रखें कि जो बड़े जानवर हैं यानी ऊंट है, उसकी उम्र तकरीबन 5 साल होना जरूरी है, 5 साल से कम अगर उम्र वाले जानवरों को उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। ऊंट की कुर्बानी के लिए जरूरी है कि वो 5 साल के हों। और इसी तरह जो गाय की नस्ल के जितने जानवर से गाय है, बैल है, भैंस है, भैंसा है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो 2 साल की उम्र की, 2 साल से कम उम्र की अगर ये गाय बैल वगैरह तो उनकी कुर्बानी जायज नहीं है। ऊंट ऊंटनी 5 साल, गाय बैल भैंस वगैरह ये 2 साल, और बकरा बकरी भेड़ दुम्बा वगैरह के लिए 1 साल होना जरूरी है। लोग 2 दांत करके ले लेते हैं, लोग क्या करते हैं जानवर बकरी लेते वक्त बकरा लेते वक्त बोल के देते हैं कि भाई 2 दांत है, 2 दांत तो 4, 6, 8 आपको से कोई वास्ता नहीं है। लोग टार्च लगा कर देखते हैं कि भाई क्या है, 2 दांत है, 4 दांत है, भाई जरूरी नहीं, 1 साल मुकम्मल हो गया कुर्बानी हो जाती है। जानवर की लेनी जो भेड़ है, दुम्बा है, बकरा है, बकरी, उसके लिए 1 साल होना जरूरी है, 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत इसकी कोई हैसियत शरीयत के अंदर नहीं है। बात समझे नहीं समझे, तो मुंह के अंदर देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अगर इसलिए मुंह देखते हो कि दांत अगर टूटे हुए हों तो अलग बात है कि भाई टूटे हुए दांत वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है, तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो ठीक है। लेकिन आप इस एतबार से देखेंगे कि 2 दांत होगा तो हम जानवर को कुर्बानी के लिए ले लेंगे, जरूरी नहीं है। अगर सामने वाला बंदा मोतबर बंदा झूठ नहीं बोलता है, अब उधर मुसलमान इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलेगा, तो सामने वाले बंदे ने ये कहा कि 1 साल इसका हो गया है, तो आप उसके कॉल पर भरोसा करके जानवर ले लें, इंशाल्लाह आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो ले छोटे जो जानवर हैं बकरा है, बकरी है, भेड़ दुम्बा वगैरह है, उनके लिए 1 साल होना जरूरी है, 2 दांत होना जरूरी नहीं है, 2 दांत होना जरूरी नहीं। अब 1 साल से ऊपर अगर उनकी उम्र है लेकिन फिर भी दांत नहीं टूटे हैं तो जरूरी नहीं है, 1 साल पूरा हो गया तो कुर्बानी आपकी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें सही मानों पे मसाइल समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ हम अल्हम्दुलिल्लाह।